मुझे लगता है कि वी आर मेकिंग ए स्टेटमेंट, इट शुड बी बोल्ड स्टेट एंड ऑनेस्ट मैम। लेकिन जब आपने पेंटिंग स्टार्ट की थी तो आपकी पेंटिंग सर्वप्रथम कितने की बिकी थी? सबसे पहले कितने का आपने बेचा था, किस अमाउंट का? 30 रुपए का। 30 रुपए का, कितने इसमें? 65 में। 65 में। थर्ड ईयर पास किया था मैंने तो। बीएफए अभी चल रहा था। बीएफए नहीं होता था हमारे जमाने में, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स होता था, डिप्लोमा 5 साल का। तो थर्ड ईयर का एग्जाम दिया था और शुरू किया पहला शहर अपने कॉलेज से बाहर। उसमें 30 रुपए के 3 काम 30-30 रुपए के बेचे, तो ऐसा लगा था बस हो गए आर्टिस्ट। होता वोता कुछ नहीं, ना बिकने से कुछ होता है ना कुछ, वो करने से होता है। ये करके आप दिल्ली में ही शो किया था आपने? नहीं, लखनऊ में। लखनऊ में पहले दिल्ली आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने से पहले लखनऊ में, और धर्मयुग में छपा था रिव्यू। मैं लोगों को लगा बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता चमत्कार। ये तो रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, रोज़ कदम चलो चार, फिर थक जाओ, फिर कुआं खोदो, फिर पानी पियो, फिर चलो। ये ऐसा वो है। और अपनी पेंटिंग से लगता नहीं सुधार होना चाहिए, फिर दोबारा करो, फिर दोबारा करो, फिर दोबारा करो, कि रास्ता लगता अभी मंजिल नहीं आई, तो बस चलते जाओ। शो हो कि नहीं हो, कोई किसी को पसंद आए कि नहीं आए, वो करो जो आपको उचित लगता है बस। जी बिल्कुल। लोग बुराई करें तो और करो, कि ये सोचो कि वो बुराई हुई क्यों, दोबारा और जोर से करना। तो बुराई तो दिल भर के हो सके। जी मैम, व्हाट इज योर ट्रेन ऑफ थॉट्स बिफोर यू एम्बार्क ऑन ए न्यू पेंटिंग्स? ऑन व्हाट बेसिस डू यू सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड कलर ऑफ योर आर्ट वर्क? ये सारे ना कहानियाँ किताबों में छापने के लिए बहुत अच्छी हैं। आप एक चेन ऑफ थॉट में चलते हैं लगातार, जीते हैं ना जैसे सांस लेते हैं, वैसे ही आर्ट होता है जब आप प्रोफेशनल हो। क्योंकि मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करती हूँ, मैं प्रोफेशनल पर्सन टू वर्क एवरी डे। मैं ये नहीं सोचती पहले क्लास लूँगी उसके बाद टाइम बचा तो आर्ट करूँगी, क्लास साली भाड़ में जाए, मुझे आर्ट करना है ना। आर्टिस्ट का मकसद वही होना ही चाहिए, जॉब एक अलग चीज है। ये व्यक्ति से व्यक्ति हो सकता है उनकी नीड, उनके लिए नीड ये है किसी की कि मुझे हर महीने तनख्वाह मिले, मेरे लिए नीड ये है कि मैं अपनी बात करूँ, मैं कम खाऊंगी है ना, मैं कम छोटी जगह पर रहूंगी, लेकिन मुझे आर्ट अपनी ढंग से करना है। हर आदमी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में चूज करता है कि मैंने क्या करना है, मेरा रास्ता कैसा होगा। मुझे हाईवे पर नहीं जाना, मुझे पगडंडियाँ ढूंढनी है, मेरा रास्ता मेरा होगा, जिसके मैं किसी के पिछलग्गू नहीं होना चाहती, मैं उसकी तरह नहीं चलना चाहती, ना मैं उनकी तरह अच्छा होना चाहती हूँ ना मैं बुरा होना, मैं अपनी तरह आप होना चाहती हूँ। तो मेरे रास्ते और उसे अलग है, मेरे लिए वो कोई आइडियल नहीं है, मैं किसी को नहीं मानती। मुझे लगता है मेरा रास्ता गोगी का रास्ता, तो उसकी कीमत देनी पड़ती, समझ आ गया कि मैं जी उस आर्टिस्ट ने ये कर दिया इसलिए मैं कर रही, ऐसी की तैसी उसने क्या कर दिया, मैं वो करूँगी जो मुझे ठीक लग रहा है, उससे उल्टा भी कर सकती हूँ मैं। तो मेरा रास्ता मेरा, क्योंकि मैं हूँ और मैं एक ऐसे कॉकटेल हूँ जो अलग एटमोसफियर से निकला हूँ, तो मैं अलग तरह की, मेरे घर में अलग बातचीत होती है। मेरी दादी पहली औरत थी जिसने लड़कियों का ऑर्फनेज खोला लाहौर में, पहाड़न थी। तो मतलब मेरा DNA गड़बड़ है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं उसको मेंटेन करता हूँ।